नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। नजर हरियाणा पर, स्वर्ण जातियों को दिए गए 10% आरक्षण को लेकर बल्लभगढ़ में भी खुशी देखने को मिली है। बल्लभगढ़ वासियों ने विधायक मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार के इस फैसले को जनहित में बताया है। इस मौके पर विधायक ने कहा है कि अब स्वर्ण जातियों में गरीब व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा और वह नौकरी के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका फायदा उठा सकेंगे। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जो काम बरसों पुराना था, जो लोगों की डिमांड थी, आम गरीब आदमी की डिमांड थी कि इसको इस बिल को पास करा जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा राज्यसभा में जो पास करा है उनको बहुत बधाई। और आम जो गरीब आदमी हैं जिनके बच्चे होशियार थे और जो 36 बरादरी के जो बच्चे हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था, वो जिन पर खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं, पर बच्चे होशियार थे उनको नौकरी नहीं मिल पाती थी। और प्रधानमंत्री जी ने जो जातियां जो डिमांड कर रही थीं उसमें उनकी जो मांग थी उनको पूरी करने का कार्य किया है और आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा, आम आदमी गरीब इस पर नौकरियां मिलेंगी। आरक्षण जो मिला है देश के प्रति बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे थे, जो परिवार के गरीब बच्चे थे, उनको बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती थी, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा हमारे देश में एक बदलाव हुआ है कि बच्चों के लिए नौकरी के लिए सुरक्षित रखा गया है। जो बच्चे गरीब हैं उन बच्चों को नौकरी मिलेगी और उन बच्चों को अपना आने वाले समय में उन बेचारों को जो आज तक गरीब थे, गरीब परिवार थे, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी, 36 बरादरी के लोगों को अब नौकरी मिलेगी। आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। खबर यमुनानगर से है, जहां यमुना नहर में महिला ने मौत की छलांग लगा दी। वहां गुजर रहे किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने देरी न करते हुए महिला को नहर से निकाला और पुलिस वैन में ही ट्रामा सेंटर इलाज के लिए गए और डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को शव गृह में रखवा दिया है और मामले की जाँच कर रही है। महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ में बाबा गुदड़िया गौशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानी राव मंगला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस अवसर पर गौशाला में गायों के चारे के लिए बनाए गए नवनिर्मित भंडार का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही गौशाला समिति के जरिए शिक्षा मंत्री और आयोग के चेयरमैन का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछले साल इस गौशाला में आग लगने से ट्रूडी को बहुत भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब उसके बाद यह ऐसा भंडार बना है जिसमें आग और तूफान से गायों के चारे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आज मैं बाबा गुदड़िया गौशाला में गई थी माधोगढ़, वहाँ गौशाला का प्रोग्राम था और वहाँ मिलकर यहाँ महेंद्रगढ़ पहुँचे। महेंद्रगढ़ में युवा संवाद कार्यक्रम सैन समाज के धर्मशाला में था, तो यहाँ सभी सैन समाज के हमारे अग्रणीय व्यक्तियों से मिली हूँ। हम युवाओं से बात करेंगे सरकार की उपलब्धियों के बारे में और युवाओं के क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनका कदम है, क्योंकि भावी रणनीति है वो युवा के ऊपर ही डिपेंड करती है। हमारा युवा देश का भविष्य है और भारत तो युवा देश है, जहाँ के 70% पॉपुलेशन युवा है, तो जो कंधे का जो देश का भार है वो युवा के कंधे के ऊपर है। इस बारे में सारा संवाद करना है अभी जी। बहन जी, आज जो गौशाला में गए थे उनमें आपने एक अनुदान राशि भी घोषणा की है, कितना अनुदान दिया? मैं 5 लाख रुपए पहले दिया था और 5 लाख रुपए और इस गौशाला में डिक्लेयर कर आई हूँ। भिवानी जिले में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे निपटने के लिए अलर्ट जारी किया है और खासतौर पर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गाइडलाइंस भी जारी की गई है। भिवानी अस्पताल में अब तक 10 H1N1 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और इतने ही मामलों की जांच भी चल रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए आइसोलेटेड वार्ड बनाया है, बल्कि मरीजों की देखरेख के लिए चिकित्सकों की टीम को भी निगरानी रखने के लिए कहा गया। जैसा कि विदित है, पूरे प्रदेश के अंदर स्वाइन फ्लू के पेशेंट आ रहे हैं, हमारे भिवानी में भी आ रहे हैं। लक्षण होते हैं, लक्षण के समय में हमने जानकारी टीचर्स को भी दी है। टीचर्स भी जैसे कि हैंड शेक ना करें, थोड़ा सा आइसोलेशन रखें, क्योंकि ये बीमारी स्वाइन फ्लू होती है, एक आदमी से दूसरे आदमी में जाती है। भाई भी किसी को लक्षण है जैसे कि तेज़ बुखार आना है, जैसे कि गले में खराबी है, जैसे कि बुखार वगैरह आना है, उल्टी दस्त वगैरह होती है, जो कॉमन लक्षण है, मतलब और बीमारी होते हैं। यदि कोई बच्चा रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई बीमारी ज़्यादा है, लक्षण ज़्यादा है, तो तुरंत वहाँ हमारे हॉस्पिटल में संपर्क करें। उसको यदि
हमें ग्रेड सी में मिलता है पेशेंट तो हम उसको तुरंत स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग के लिए NICD भेजेंगे, NICD या फिर मेडिकल कॉलेज रोहतक सैंपल भेजेंगे और पॉजिटिव आने पर हम लोग उसको टाइम फ्लू देंगे, उसका पूर्ण इलाज कराएंगे। हमने काफ़ी पेशेंटों का यहाँ इलाज भी करा और ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास से ठीक होकर जा भी चुके हैं। यहाँ से करीब 30 पेशेंट हमने भेजे थे, टोटल जो सैंपल भेजे हैं उनमें से 10 पेशेंट करीब पॉजिटिव आए और 10 के 10 पेशेंटों को हमने इलाज करा के यहाँ से ठीक करा है यहाँ से। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि कोमॉर्बिड कंडीशन जो डेथ हुई है वो ओनली फॉर स्वाइन फ्लू नहीं है, जैसे कि एक पेशेंट था हिसार में एडमिट था वो एक्सपायर हुआ है, तो कोमॉर्बिड मीन्स उनको एसोसिएटेड दूसरी बीमारी भी थी, हार्ट अटैक से डेथ हुई है लेकिन कोई स्वाइन फ्लू पॉजिटिव था, लेकिन डेथ का जो असली कॉज है वो हार्ट अटैक है। इसी तरह से एक दो पेशेंट हो रहे हैं जो कि डायबिटीज मेलाइटिस में है, पुराने चेस्ट इन्फेक्शन थे उनके, COPD के पेशेंट थे, उनकी डेथ हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्वाइन फ्लू के कारण डेथ हुई है। जरूरतमंदों के लिए इस झज्जर जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। साल 2018 की शुरुआत में शुरू हुआ सांझी मदद का सफर बस्तूर जारी है। नंगे पैरों को चप्पल जूते और बदन ढकने के लिए गर्म कपड़ों के साथ किताबें भी बच्चों तक पहुंचाई जा रही हैं। इस नेक काम का आइडिया जिला उपायुक्त सोनल गोयल का था। अब तक करीब 8,000 लोगों को इसका फायदा हो चुका है। DC सोनल गोयल ने बहादुरगढ़ में झुग्गी झोपड़ियों में रहकर गुजर बसर करने वाले गरीब लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए। जिला प्रशासन झज्जर की ओर से जनवरी 2018 से सांझी मदद एक मुहिम के रूप में चालू की गई, जिसमें हमारा प्रयास ये है कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा सामान होता है जो कि घर में यूज नहीं करते हैं, जैसे कि कपड़े, खिलौने, शूज़, बुक्स, ऐसी कोई भी वस्तु जो कि दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं वो हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को देने के लिए। और सांझी मदद सेंटर दो खोले गए हैं झज्जर जिले में, एक बहादुरगढ़ में खोला गया है और एक झज्जर में खोला गया है, जो हमारे बाल भवन है उसके अंदर ये सेंटर चल रहे हैं। और इसके द्वारा फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको हम ये सामान वितरित करते हैं। 2 दिवसीय हड़ताल खत्म होते ही सरकार ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली होगी कि तभी आशा वर्कर के धरने ने फिर से मुश्किल बढ़ा दी है। अपनी मांगों को लेकर डीघल CHC की आशा वर्कर ने नागरिक अस्पताल में धरना दिया है और उनका कहना है कि सरकार ने उनके वेतन में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की थी लेकिन अब तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और उनकी मांग है कि उनका टोटल मानदेय एक साथ हर महीने की 10 तारीख तक उनके बैंक खातों में डाल दिया जाए। तो वहीं यूनियन की झज्जर शाखा की कोषाध्यक्ष किरण ने कहा है कि उनकी 10,000 रुपये की बढ़ोतरी घोषणा के बाद भी नहीं हुई है और साथ ही आशा वर्कर हरियाणा भर में प्रदर्शन कर रही हैं और धरने के दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारी आज जो आशा वर्कर की यूनियन है ये धरने पर है, 2 दिन की हड़ताल की 8-9 जनवरी की, और इसके बाद हमने जो MD मैडम है इसको नोटिस भी दिया था। अब ये अगर या तो हमारा जो 1,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की थी मोदी सरकार ने वही 11 सितंबर को, अब ये हमारा अक्टूबर तक खातों में आ जाएगा ये 1,000 का नोटिस, तो ये अभी तक नहीं तो नोटिफिकेशन आया है और नहीं हमारे खातों में आया है। इसी के लिए हमने 2 दिन की हड़ताल के बाद आज से हमारा सभी पूरे स्टेट में प्रदर्शन है, सभी PHC CHCO पर, और हमने यहाँ पर झज्जर डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक एक CHC का नंबर लगाया हुआ है। और जब तक हमारी जो 1,000 का लेटर है ये और जो हमारा फिक्स काम है और इंसेंटिव है जो स्टेट का है सेंटर का है अलग अलग पेमेंट डालते हैं खातों में वो एक बार डलनी चाहिए। गांव रैया में हरियाणा सरकार के जरिए प्रस्तावित रीजनल सेंटर सरकार की गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। बेशक सरकार उस 105 एकड़ जमीन पर कब्जा ले चुकी है जिस पर यह सेंटर बनना है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण सरकार के विरोध में धरना दे रहे हैं और ग्रामीणों ने एक कदम विरोध की ओर बढ़ाते हुए अपने धरने को भूख हड़ताल में बदल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके समर्थन में 29 गांव के लोग आ गए हैं और साथ ही सरकार के किसी भी मंत्री की एंट्री पर बैन का बोर्ड भी लगा दिया गया है। तो वहीं रैया निवासी राजवीर का कहना है कि सरपंच ने बिना गांव की सहमति के रेजुलेशन किया है जिसका गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जमीन न मुआवजा लेकर देंगे और ना ही नौकरी लेकर। दरअसल बात यह है कि वे अपने पूर्वजों की निशानी जमीन को देंगे ही नहीं। भूख हड़ताल पर बैठे किसान यूनियन के प्रदीप धनकर ने कहा है कि एक सरकार उनकी जमीन पर डाका डाल रही है और आने वाले चुनाव में यह सरकार को भारी पड़ेगा। तो वहीं धरने पर खास बात यह रही कि लोगों के साथ महिलाएं भी विरोध गीत गाती सुनाई दी और एक गीत उन्होंने मुख्य रूप से कृषि और पंचायती मंत्री OP धनखड़ के लिए गाया। जो 105 कृषि मंत्री ने सरपंच से मिलके जो रैया गांव की 105 एकड़ श्यामला जमीन पे डाका डालने का काम किया है, इस एवज में हम भूख हड़ताल चालू करी है
और इसका जवाब रैया गांव की आवाज जो है उपचुनाव में लोकसभा चुनाव तक सुनाई देगी। ये अगर गांव के कृषि मंत्री गांव के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, अगर थोड़ी भी अभी शर्म है तो इस धरने पे आके अपने भाइयों से बात करें। कोई कमी है तो उसको बैठ के ही बात दूर हो सकती है। अब भागने के तो कितनी दूर तक भागते रहेंगे। ये रैया गांव की जो जनता है जिसने आपको बना के मंत्री उस तक पहुंचाया है, अब उस चीज़ को याद रखेंगे। 2019 में सारा हिसाब बराबर करना है। कृषि मंत्री जी ना किसान की फसल आपको लूटने देंगे ना किसान की जमीन लूटने देंगे। रैया गांव से शुरुआत करते करते आप केएमपी तक जाओगे, आपके जो 5 गांव बसाने का सपना है उस पर भी चोट होगी। सहमति इसलिए नहीं हो पाती कि गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने ग्राम सभा को ना बुला करके और उसने खुद 12 में माना है कि 2-3 पंचों ने तो वहाँ मंत्री जी के पास प्रस्ताव लेके थे, रजिस्टर वहाँ दस्तक किए हैं। यहाँ ग्राम सभा की सहमति लेता 97% गांव नाराज है। इन्होंने कब्जा नहीं, ये तो डाका डाला हमारे पूर्वजों की धरती के ऊपर। ये हमारे पूर्वजों की धरोधर है। हम इस जमीन को न तो मुआवजा पे दें, न इसको लीज पे दें, न और किसी सरकारी नौकरियां के लालच में दें। अब तो हमारा इरादा है कि हम भू मालिक हैं, हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर हमारे 36 बिरादरी के व्यक्ति प्रयोग करेंगे इसको। और ये धरना किसान नेता प्रदीप धनखड़ की अध्यक्षता में आज 6 किसान बैठे हैं, 7 किसान धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भविष्य में इसी प्रकार बैठते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो इससे भी ज्यादा बैठेंगे। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस का अमनवीय चेहरा सामने आया है। जी हां, करीब 8 महीने पहले एक लड़की को भगा ले जाने के मामले की पुलिस की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में आ गई है। मानवाधिकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न सिर्फ एक युवक को अवैध रूप से हिरासत में रखा बल्कि पूछताछ के नाम पर 3rd degree तक दे डाली। तो वहीं पुलिस के टॉर्चर और पिटाई से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला सोनीपत के महमूदपुर गांव की रहने वाली महिला गुड्डी देवी का आरोप है कि उसके पुत्र अमरजीत के खिलाफ कोई शिकायत घरौड़ा थाना में दर्ज नहीं है। बावजूद इसके पुलिस ने अमरजीत को पूरी रात हिरासत में रखा और अगले दिन बलवान सिंह ASI उसे करनाल लेकर चला गया। शाम जब अमरजीत को वापस घरौना थाने लेकर आए तो वह चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ था और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मैं उसे लेकर घरौना सरकारी अस्पताल गई। महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अमरजीत पर 3rd degree का इस्तेमाल किया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। पुलिस यह कार्रवाई और 3rd degree दिए जाने से आहत महिला गुड्डी ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और SP करनाल को की है। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत है जी। तो कैसे क्या घटना हुई आपके साथ? जी बलवान ऐसा ही ले गए थे मेरे को जी, एक रात गरोड़ा रखा जी मैं। ठीक है, सुबह को मेरे को ले गए जी करनाल से आई है मुझे। ठीक है जी, 5 बजे थी वहाँ रखा जी, 5 बजे मेरा रिमांड ले गया जी वहाँ पे। हाँ जी जी, यहाँ तक फरार हो गया था वो और तक घर तक गया था। घर तक जाए बाद तो फिर मैं बोली मैं भाई की जागा, उन्होंने बोला मैं गरोंडा जाऊंगा। फिर उसने फोन बंद कर लिया, फिर उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा, फिर वो चला गया। तो उसके बाद मामले में मेरा वो कित गया। तो कितने महीने से गायब है वो? 8 महीने से गायब है। अच्छा, हाँ। तो अभी आपके बेटे के साथ क्या हुआ जो पुलिस ने किया? यो मेरा बेटा बुलाया गया है, मैं भी बुलाई गई हूँ। क्या नाम है आपके बेटे का? अमरजीत। अच्छा, हाँ अमरजीत। किसने बुलाया? ASI ने, गरोंडा पुलिस ने। हाँ, गरोंडा पुलिस ने बुला कर और फिर एक रात तो रखा यहाँ गरोंडा और फिर तड़की ले गए उठा कर। मैंने बात भी करवाई, उसने मेरी कोई सुनी आई नहीं। मैं बोली मैं जी कहाँ ले जा रहे हो? बोला कि माम तुझ पर पूछताछ का अतर ले जा रहे हैं। तो फिर उसका रिमांड लिया गया, वहाँ जाए पर्चा। मेरे लड़के की चोरी चाड़ी टांग पाड़ी गई है और ऊपर कई कई जने खड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे लड़का ने बोला नहीं तो मैं गोली खाकर मर जाऊंगा, मैंने यहाँ ले चल मेरे जी। माम ने पता ही नहीं कोई क्या है बात।
से जो सियालग एक और मुद्दा है महमदपुर गांव, उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अमरजीत नाम के एक व्यक्ति को उठाकर थर्ड डिग्री दी है, क्या मामला करिए? नहीं, ऐसा कोई उसको पूछताछ के लिए बुलाया, थर्ड डिग्री वाली के पास जी जी उन्होंने उसके जो लड़के उसकी डेड बॉडी गुहाना मिली थी उनको उन्होंने शक किया जाहिर किया था भी हो सकता है इन्वॉल्व हो, तो उनको बुला के पूछताछ की गई थी। उस टाइम उदयी भी थे और आरोपी पक्ष भी था और साथ ही उनको हैंड ओवर कर दिया। पंचकुला कोर्ट में राम रहीम की पेशी को लेकर जिला पुलिस भी अलर्ट है और सुनारिया जेल की सुरक्षा को लेकर 600 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा घोड़ा पुलिस और ड्रोन कैमरे के जरिए जेल की निगरानी की जा रही है और राम रहीम की पेशी को लेकर जिला पुलिस ने जेल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया है। जेल की सुरक्षा को दो लेयर में बांटा गया है और जेल की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर 8 नाके लगाए गए हैं और इसके अलावा 5 पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगातार गश्त करेंगी। घोड़ा पुलिस भी लगातार जेल की सुरक्षा में तैनात रहेगी। राम रहीम की पेशी के रिगार्डिंग हमने जिला पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 से 600 पुलिस मुलाजमान हमने तैनात किए हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो दो टीयर्स में रहेगी, दो लेयर्स के अंदर रहेगी। जो जेल का बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी है वहाँ पे हमने हर जेल को आने वाली रोड के ऊपर 4 नाका पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके वहाँ पर नाकाज डिप्लॉय कर रखे हैं। इसके अलावा 5 पेट्रोलिंग पार्टीज राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। हमारी जो माउंटेड घोड़ा पुलिस है वो भी वहाँ पे डिप्लॉय की गई है। वहाँ पे एक दूर से सारा का सारा जो मतलब सर्वेलेंस रखने के लिए जेल के आस पड़ोस के एरिया के लिए हमने एक ड्रोन वहाँ पे डिप्लॉय किया है, ड्रोन हैंडलर, तो उसके थ्रू भी हम कोई भी बंदा इकट्ठा ना हो उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी सहित अनेक प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी और SDM जींद की समक्ष दाखिल किया। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा मीढ़ा अपने समर्थकों के साथ लघु सचिवालय परिसर पहुंचे जहां उनके साथ विशेष तौर पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, शिक्षा मंत्री रामलला शर्मा, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से सांसद रमेश कौशिक भी साथ थे। बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा मीढ़ा ने कहा है कि वो जींद के उपचुनाव के दौरान विकास के नाम पर उतरेंगे और चुनाव में विजयी होने के पश्चात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अनुरोध कर इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, इसके लिए यहां पर औद्योगिक इकाई की स्थापना भी करवाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी ही नहीं था, इसलिए उन्हें बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना चुनाव अपने शासनकाल में लागू की जनकल्याणकारी नीतियों और विकास के नाम पर लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से उतरे गए कांग्रेस के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि वो जींद विधानसभा क्षेत्र को बारीकी से समझते हैं और वो इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास करवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो विकास का मुद्दा है, पारदर्शिता का मुद्दा है, व्यवस्था बदलने का मुद्दा है, इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। और सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से 4.25 साल से एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार हरियाणा प्रदेश में हमने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दी है, यही आधार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में है, यही मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे के आधार पर हमने जो 5 निगम के चुनाव थे वो जीते हैं और इसी आधार पर ये चुनाव जो बहुत रोचक हो गया है आखिर में आते आते उम्मीदवार की घोषणा होते होते और इस उम्मीदवार में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। डॉक्टर कृष्ण मीढ़ा भारी बहुमत से जीत करके विधानसभा में पहुँचेंगे। जींद का आने वाला जब भविष्य तय करेगा प्रदेश का और देश का, और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप भी इस मैदान में उतरी है तो फिर निर्णय यही लिया गया कि उनको मुकाबला बराबर का दिया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि युवा परिवर्तन लाएंगे और हमने तो पहले भी कहा था युवा उम्मीदवार लाएंगे और जींद की जनता आशीर्वाद भी देगी और जननायक जनता पार्टी मजबूत करेगी। हम जहाँ लोकल मुद्दे यहाँ के उठाएंगे, जहाँ इस 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल में 4 साल के बीजेपी के शासनकाल पोल खोलेंगे, वहीं अब ये चुनाव जो है 100% लोकल वर्सेस बारी का हो गया और लोग इस बात पे 100% कहते ना अपना अगर मारता भी तो छाम में डालता है, 100% ये जिनकी पगड़ी का जिनकी इज्जत का सवाल है। कोई बाहर से व्यक्ति आकर के जींद के लोगों में झूठ बोल करके वोट ले जाए, चुनाव जीत के चला जाए। आज तो ऐसे लोग चुनाव मैदान में हैं जो पहले से MLA हैं, वो भी कहते हैं मुझे जींद से और MLA बना दो। अगर कुछ करना ही था
तो एमएलए रहते हुए 4.5 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे? किस लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए हो? आज भी मुझे बताया कि एक हमारे आदरणीय साथी ने, जो एक राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा मैं बदला लेने आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो जींद का विकास करने आया हूँ। उनका काम है बदला लेना, काटना, मारना, तोड़ना, जलाना, हमारा काम है बनाना। खट्टर साहब की सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बाहर से लाए साथियों की बैसाखियों पर है, मैं उनको भी ये कहूँगा कि अगर आपको जींद की बदहाल हालत देखनी है तो किसी गली में चले जाइए, पूरे का पूरे जींद के अंदर से शायद निकलना भी, स्कूटर मोटरसाइकिल और पैरे निकलना भी आज असंभव मुश्किल हो गया। मुकाबला किसे मानते हैं? क्या हम हमेशा इसी प्रकार की दुर्दशा और अपेक्षा का शिकार रहेंगे जींद के मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, या फिर हमें स्थिति को बदलना है? स्थिति को बदलना है तो षड्यंत्रकारी राजनीतिक दलों को पहचानना है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए, हमें मौका दो। देखिए, वैसे विकास की बात करें तो जींद में पहले विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, चाहे वो शहर का काम हो, प्रत्येक गली और सड़क बनाने का काम कर रही है, और चाहे वो ग्रामीण का समस्या और पानी को लेकर, वो भी कार्य रूटीन में चल रहा है। लेकिन विशेष तो ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना की जाएगी कि जींद में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिलने का। तो वही भवानीखेड़ा के मिथाथल गांव में समाज सेवी मास्टर पवन कुमार के नेतृत्व में रक्तदान शिविर और फ्री चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता गांव के सबसे बुजुर्ग सूबेदार प्रताप सिंह फोगाट ने की। शिविर में पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और खुद रक्तदान कर और रक्तदाताओं को बेंच लगाकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में सिविल अस्पताल भिवानी और रक्त बैंक के डॉक्टरों ने मरीजों को चेकअप किया, साथ ही निःशुल्क दवाई एकत्रित की। शिविर में 30 यूनिट रक्तदान लिया गया। इन दिनों खून की अधिकता होने के कारण और रक्त लेने से डॉक्टरों ने मना कर दिया है, जिस कारण कई रक्तदान करने में इच्छुक लोगों को बिना रक्त दिए ही निराश होकर वापस लौटना पड़ा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामकिशन फौजी ने कहा है कि रक्तदान एक महान पुण्य का कार्य है, इसलिए हम सभी को रक्तदान जरूर करना चाहिए ताकि जरूरतमंद मरीज की समय पर सहायता की जा सके। जींद उपचुनाव पर बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी दिया है, इसलिए जींद में कांग्रेस की जीत पक्की है। हम सभी उनके जीतवाने के लिए जींद जाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस की जीत होगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। स्वर्णों को 10% आरक्षण पर पूर्व सीपीएस ने कहा है कि आरक्षण देने का बीजेपी का एक और झूठ है, इसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने की शुरुआत की है। बड़ा ही पुण्य का काम मिथाथल के अंदर हमारे युवा साथियों ने पवन मास्टर जी के नेतृत्व में ब्लड डोनेट करने का जो कैंप लगाया और जो डॉक्टरों की टीम ने चेकअप किया, आई का, दूसरी बीमारियों का, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ और उन बच्चों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज इस कैंप ब्लड कैंप में जो ब्लड डोनेट किया। ये एक बहुत ही पुण्य का काम है और ये दूसरे का जीवन जिसको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद को ब्लड की, उस टाइम कई बार ब्लड नहीं मिलता था, लेकिन आज के जो युवा जो बच्चे हैं वह इस बात को समझते हुए और हमारी जो टीम ने ब्लड डोनेट किया है और मैंने भी किया, मैंने पहले बहुत बार किया है, और अगर कोई कैंप की मुख्य अतिथि हो और ब्लड डोनेट ना करे तो भी अच्छा नहीं लगता, मुझे खुशी हुई है मेरे को भी ब्लड देके। प्रदेश की सरकार के आदेश पर प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों के राशन कार्डों को ऑनलाइन किया जा रहा है और सभी को सरकार की डिजिटल नीति के तहत जोड़ा जा रहा है ताकि सभी कार्ड धारकों का विवरण सही रहे और इसी को लेकर लोग अपने राशन कार्डों को ऑनलाइन कराने के लिए और नए राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग में मारामारी करनी पड़ रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग के AFSO भारत भूषण ने कहा है कि उनके पास कर्मचारी नहीं है और बिजली आती जाती रहती है, जिस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि वह कई कई दिनों तक चक्कर काट रहे हैं लेकिन उसके बाद भी इनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और नहीं ऑनलाइन हो पा रहे हैं। लोगों ने कहा है कि वह सुबह अपने घरों का कामकाज छोड़कर आते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका काम नहीं होता।
कार्ड बनवाने के लिए आए हैं जी। तो काफी सुबह 9 बजे से भी पहले से यहाँ खड़े हैं जी आकर के, और अभी तक नंबर ही नहीं आया है। क्या कारण? क्या कारण? कारण भीड़ ज्यादा है और बिजली चली जाए, बार बार लाइट चली जाती है। कर्मचारी कम है? कर्मचारी कम है। अच्छा, कितने कर्मचारी जो राशन कार्ड बनाने? कंप्यूटर एक है, एक कंप्यूटर। भीड़ ज्यादा है, बताओ नंबर कैसे? राशन कार्ड ऑनलाइन हो रहे हैं दोबारा हमने 70 साल बाद सरकार द्वारा स्कीम है। तो सर ये भीड़ जो हो रही है किस वजह से हो रही है? भीड़ इसलिए हो रही है कि हमारे पास एक ही ऑपरेटर है, हमने डिमांड करी हुई है ऑपरेटर के लिए, परंतु अभी तक कोई ऑपरेटर और आया नहीं। जैसे कोई ऑपरेटर हो जाएगा तो काम तेजी से होगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।